नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं जैक बोर्ड दसवीं बारहवीं की फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा 15 दिसंबर तक पहली बार बदले पैटर्न में होने वाली जैक की दसवीं और बारहवीं की प्रथम सावधिक परीक्षा एक से पंद्रह दिसंबर के बीच होगी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर निर्णय लेते हुए झारखंड अकेडमिक काउंसिल को परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं पहली बार दसवीं और बारहवीं बोर्ड की एक परीक्षा की बजाय प्रथम और द्वितीय सावधिक परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाने वाली नौवीं व वा ग्यारहवीं की परीक्षा भी इसी तरह दो चरण में आयोजित की जानी है बता दें झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है बता दें बारिश थमने के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की और गिरावट हो सकती है आकाश साफ रहने से दिन में धूप में गर्मी लगेगी लेकिन शाम होते ही तापमान में गिरावट आ सकती है छब्बीस अक्टूबर को कुहासा की संभावना है झारखंड पंचायत चुनाव चार चरण में होगा झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर माह में चार चरणों में होगा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है राज्य मंत्री परिषद की होने वाली अगली बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी बता दें एक नवंबर तक चुनाव की घोषणा हो सकती है राज्य सरकार 29 दिसंबर को सरकार गठन के दो साल पूरे होने से पहले राज्य में पंचायत चुनाव कराना चाहती है पंचायती राज विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चार चरणों में चुनाव कराने पर लगभग सहमति बन गई है झारखंड में ड्राप आउट बच्चों के लिए चलेगा स्कूल वापस चले अभियान कोरोना काल में स्कूलों के लंबे समय से बंद रहने के कारण बड़ी संख्या में बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है इसे ध्यान में रखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों को वापस स्कूल जाने का अभियान चलाने का निर्णय लिया है बता दें प्रत्येक साल सरकारी स्कूलों में बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन करने तथा पढ़ाई से वंचित बच्चों को स्कूल तक खींच कर लाने के लिए स्कूल चले अभियान चलाया जाता रहा है अब इसी तर्ज पर स्कूल वापस चले अभियान चलाया जाएगा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग को भेजा है पंचायत सचिव नियुक्ति पर निर्णय ले सरकार गैर अनुसूचित जिलों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति करने के मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करने और नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश हाई कोर्ट ने सरकार को दिया है बता दें सरकार को इस संबंध में चार सप्ताह में जवाब दाखिल भी करने को कहा है ओम कपूर एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया है इस संबंध में प्रार्थियों ने अवमानना याचिका दायर की है प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने गए अनुसूचित जिलों में पंचायत सेवकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है झारखंड में पहली से आठवीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग राज्य के सरकारी स्कूलों के पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को स्कूली बैग देने का रास्ता साफ हो गया है बता दें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को बैग के लिए टेंडर निकालने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है अगले सप्ताह बैग से संबंधित टेंडर निकाला जाएगा राज्य के करीब बत्तीस लाख छात्र छात्राओं को स्कूली बैग उपलब्ध कराया जाएगा इस पर करीब अंठावन करोड़ रुपए खर्च होंगे बता दें राज्य सरकार दिसंबर तक स्कूली बच्चों को बैग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है इसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को हर दो साल में बैग दिया जाता है सिमडेगा में हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे दिन छ मैच खेले गए झारखंड के सिमडेगा जिला अंतर्गत एस्टोटर्फ स्टेडियम में खेले जा रहे ग्यारहवीं नेशनल महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे दिन शुक्रवार को छ मैच खेले गए बता दें पहले मैच में तमिलनाडु ने केरल को पाँच जीरो से पराजित किया वहीं दूसरे मैच में हरियाणा ने राजस्थान को एक तरफा खेल में उन्नीस जीरो से रौंदा वहीं तीसरा मैच में आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना को सात जीरो से शिरकत दी चौथे चरण में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को सात जीरो से पराजित किया पांचवें मैच में पंजाब ने कर्नाटका को संघर्ष पूर्ण मुकाबले में दो एक से हराया वहीं छठे मैच में हॉकी पांडुचेरी ने बंगाल को छह एक से शिरकत दी टाटा मोटर्स में नीम ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी टाटा मोटर्स की इकाई मेमर्स एन टी टी एफ़ की ओर से निम्न ट्रेनिंग के लिए बहाली निकाली गई है बता दें पचास पदों के लिए निकली इस वैकेंसी के लिए और प्रादेशिक नियोजनालय गोलमुरी में कैंप लगाया जाएगा इसमें भाग लेने वाले युवाओं को झारखंड के किसी भी नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है इस संबंध में जानकारी देते हुए और प्रादेशिक नियोजनालय गोलमुरी के नियोजन पदाधिकारी एस के झा ने बताया कि इस बहाली में झारखंड के अठारह से तेईस वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं दुमका में दो करोड़ की लागत से तीन योजनाओं का शिलान्यास दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने दुमका शहर के तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया इसमें डीसी चौक व श्री अमरा स्थित झानो चौक के जंक्शन की मरम्मत स सुधार कार्य तथा दुधानी टावर चौक से एसपी कॉलोनी भया रसिकपुर पथ में विशेष मरम्मती कार्य शामिल है बता दें उनसठ लाख चौहत्तर हज़ार की लागत से डीसी चौक के कार्य कराए जाएंगे यहां प्लस टू गर्ल्स हाई स्कूल एवं दुमका कल्प के तरफ पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा जबकि पचासी लाख बासठ हजार की लागत से झानो चौक के जक्शन का सुधार कार्य किया जाएगा झारखंड में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या एक है भारत में सोलह नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या एक है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सरकार का नया फार्मूला झारखंड के सरकारी व गैर सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में नामांकन के लिए राज्य मेधा सूची जेई मेंस 2021 परीक्षा के परिणाम के आधार पर तैयार की जाएगी बता दें झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है राज्य मेधा सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तीन नवम्बर निर्धारित है झारखंड में भी मिलेगा कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र झारखंड में भी अब कोरोना से होने वाली मौत का प्रमाण पत्र परिजनों को मिलेगा बता दे प्रमाण पत्र में मौत की वजह भी दर्ज होगी कोरोना से हुई मौत का सत्यापन भी होगा वहीं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश को राज्य में भी लागू किया गया है स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इसके तहत कोरोना से होने वाली मौत को लेकर जारी होने वाले प्रमाण पत्र को लेकर उपायुक्त को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं झारखंड में छियालीस दरोगा ग्यारह सर्जेंट का तबादला पुलिस मुख्यालय ने राज्य के चौदह जिलों के छियालीस दरोगा को झारखंड जगुआर में स्थानांतरित कर दिया है इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है जारी आदेश के अनुसार गत 18 अक्टूबर को राज्य पुलिस स्थापना परिषद की बैठक में इन दरोगा के तबादला संबंधित आदेश जारी हुआ था पुलिस मुख्यालय ने संबंधित जिलों के एस को इन दरोगों को झारखंड जगुआर के लिए विरमित करते हुए पुलिस मुख्यालय को अवगत कराने का आदेश दिया है झारखंड के विधायकों की मांग चार करोड़ वाला एमएलए फंड बढ़ाए विधानसभा क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों में एमएलए फंड का अहम योगदान होता है स्थानीय स्तर पर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ने और सालाना फंड की राशि सीमित होने के कारण विधायकों को इसमें परेशानी हो रही है बता दें यही वजह है कि विधानसभा के मानसून सत्र में एमएलए फंड की वार्षिक राशि जब बढ़ाने की मांग उठी तो सभी दलों के विधायकों ने इस पर सहमति जताई साठ से अधिक विधायकों ने इस मार्ग के समर्थन में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को एक मांग पत्र भी सौंपा है धनबाद जज मौत मामला धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में चार्जशीट दाखिल करने के तरीके पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई और उसे त्रुटिपूर्ण बताया अदालत ने कहा कि सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल करने में हाईकोर्ट को अंधेरे में रखा है आरोप पत्र दाखिल करने के पहले जांच एजेंसी ने अनुमति भी नहीं ली दुखद तो यह है कि सीबीआई ने जो प्रगति रिपोर्ट पेश की है उसमें आरोप पत्र को संलग्न भी नहीं किया गया यह दुर्भाग्यपूर्ण है और सी जैसी जाँच एजेंसी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती खुंटी उपायुक्त ने ई श्रम जागरूकता रथ किया रवाना असंगठित श्रमिकों को जागरूक कर उनका ई श्रम पोर्टल में शत प्रतिशत निबंधन कराने के उद्देश्य से उपायुक्त शशि रंजन उप विकास आयुक्त और श्रम अधीक्षक ने शुक्रवार को समानालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बता दें मौके पर उपायुक्त तो ने कहा कि ई श्रम जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल में निबंधन कराने के लाभ निबंधन कराने की पत्रता आवश्यक दस्तावेज आदि के संबंध में जानकारी देगा तथा ई श्रम पोर्टल में निबंधन करने को लेकर जागरूक करेगा इस वर्ष दीपावली पर गोबर से बने दिए से करें घर को रोशन दीपावली समेत अन्य पर्व त्यौहार में मिट्टी के दिए का उपयोग करते आपने देखा होगा लेकिन अब गोबर से बने दिए का प्रचलन बढ़ने लगा है इसके कई फायदे भी है बता दें राजधानी रांची में गोबर से बने दिए जल्द ही दिखेंगे इसके लिए महिला समूह की महिलाओं को दिया बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है राजधानी रांची के ईटकी क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम साहू ने गोवर्धन दिया निर्माण का शुभारंभ किया है झारखंड रूलर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी के अमर प्रसाद एवं आरव सिंह द्वारा महिला समूह को प्रशिक्षण दिया गया झारखंड की मनरेगा आयुक्त रायश्वरी बी ने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर अपने अपने जिलों में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान से संबंधित गतिविधियों के सफल संचालन का निर्देश दिया है उन्होंने अभियान के महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं उसके उद्देश्यों की जानकारी देते हुए नियमित रोजगार दिवस और ग्राम सभा का आयोजन कर इच्छुक सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है गिरिडीह के डीएसई सस्पेंड झारखंड के गिरिडीह के डीएसई अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है पत्र में कहा गया है कि डीएसई अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिक्षकों को जबरन एक निजी कंपनी का सामान बेचते थे यह सरकारी नियमावली का उल्लंघन है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए अलग से पत्र जारी किया जाएगा किसानों से 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए 8 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया गया है किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दो हज़ार रुपये साधारण व ग्रेड ए के लिए दो हज़ार रुपये निर्धारित किया गया है धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकतम सीमा प्रति किसान दो क्विंटल निर्धारित की गई है वहीं धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पंद्रह नवंबर होगी पंद्रह हो दिसंबर तक जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी शिक्षित ग्रामीण को अपने पंचायत में ही नौकरी ग्रामीणों को दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक दवा दुकान खोली जाएगी इससे संबंधित संकल्प स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जारी कर दिया है इन दवा दुकानों में वैसी दवाएं रखी जाएंगी जिसके लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी इनमें पारासीटामोल समेत 48 ऐसी दवा होगी जो सामान्य बीमारी में मरीज को दी जाती है धन्यवाद